देखने से कौन रोका है, सपने देखते रहे तो नाव भाव के बार वो तो आएगा, सामने ही आएगा। 3 तारीख अब कितने दिन है, परसों तो है ना, तो परसों पता चल जाए। मैं अभी से जश्न मनना चालू हो गया, वो मनता रहेगा, पहले ही जश्न मनता है। बालाघाट के डीएम को जेल भेजना जरूरी हो गया, जिसने मतपेटियों को खोलवा दिया है, जो बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स वाले वोट पर पड़े हैं उनको खोल करके पहले ही सेटिंग करने लगे। 11,000 से ऊपर के पत्रकार है जनता के बीच नहीं पहुंचे थे। मतदान हुआ है राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और यहाँ क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में, सबसे पूरी चूल हिल गई है बीजेपी। देखने के लिए अंजना ओम मोदी को, दीपक चौरसिया को, अमित देवगन को, हाँ, और जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, चित्रा अग्रवाल को कौन रोक रखा है? देखें भाई, अभी टनल में फंसे मजदूरों ने मजदूरों को बचाया। अब विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कुछ मजदूरों को 2 दिन यहाँ रोक लिया गया था दिल्ली में, जो दिल्ली से मजदूर गए थे। देखने से कौन रोका है, सपने देखते रहे, वो तो नाव भाव के बार वो तो आएगा, सामने ही आएगा। 3 तारीख अब कितने दिन है, परसों तो है ना, हाँ, तो परसों पता चल जाए। मैं अभी से जश्न मनना चालू हो गया, वो मनता रहेगा, पहले ही जश्न मनता है। बालाघाट के डीएम को जेल भेजना जरूरी हो गया है, जिसने मतपेटियों को खोलवा दिया है, हाँ, जो बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स वाले वोट पर पड़े हैं, हाँ, उनको खोल करके पहले ही से सेटिंग करने लगे। 11,000 से ऊपर एग्जिट पोल जो है, जितने भी एग्जिट पोल हैं, हम जनता के बीच से आए हैं, और जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जनता के बीच नहीं पहुंचे थे। अच्छा, जो मतदान हुआ है राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो तेलंगाना और यहाँ क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में, उससे पूरी चूल हिल गई है बीजेपी का कार्ड वहाँ चलने ही नहीं जा रहा है। वहाँ बेरोजगारी, हाँ, किसानों की समस्या, अच्छा, महिलाओं की समस्या, स्वास्थ्य का जो 7 गारंटी योजना कांग्रेस ने कही है, उसका प्रभाव जनता के बीच एकदम छाप पड़ गया है। मतदान होगा तो बीजेपी हार रही है, ये जान लीजिएगा। ये कहाँ कहाँ आंकड़ा है आपका? गरीब गुरबे महिलाएं किसान जब वोट देने, बेरोजगार नौजवान वोट देने निकलता है, छात्र निकलता है, तो जान लो बीजेपी की पराजय हो रही है कांग्रेस को। कि क्रिकेट के स्टेडियम में, सरदार पटेल स्टेडियम में गुजरात में जो मैच कराए हैं ना, जनता ने जो लाइसेंस दे दिया, पनौती, नासपीटा, अभागा, मनहूस है, वो जबरदस्ती अपने आका को खुश करने के लिए गोदी मीडिया ये प्रोपेगेंडा चला रहा है कि वो तो 3 तारीख को मातम होगा ही होगा, अंतर कर पाएंगे। अरे रैलियों में अपार जन समर्थन, इतना जन समर्थन था, हाँ, कि इनके रैली में आदमी नहीं दिखाई दे रहे थे। अच्छा, हाँ, जन समर्थन के आधार पर तो बता रहे हैं कि आंकड़े भाजपा के पक्ष में जाएंगे सारे। बिल्कुल नहीं जाएंगे, जनता वोट देने निकली है, इतना बम्पर वोटिंग हुई है, उसके बाद भी आप लोगों को नहीं लग रहा है? 3 तारीख को पता चलेगा, संडे को पता चलेगा, काहे आप मुगालते में हैं? मुगालते में खुश रहिए, 2-3 दिन खुश हो, राजा बाबू के उड़ेंगे, पनौती साबित होगा, है ना। अपना ही तेलंगाना गए, हाँ, तो वहां कह रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री को पता नहीं किसने समझा दिया है कि हमको रिसीव नहीं कर रहे हैं, मंच शेयर नहीं कर रहे हैं, कि मेरी छाया इनके ऊपर पड़ जाएगी तो इनका सत्यानाश हो जाएगा। यानी मोदी जी ये मान चुके हैं कि मैं पनौती साबित हो गया। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप भाई? वो जो भाषा में कहे मैं वही बतिया चुका रहा हूँ, हाँ। पूरे देश की जनता पनौती राहुल गांधी बता रहे हैं पनौती, पूरे देश की जनता उतना पनौती जितना ट्रेंड कोई शब्द नहीं किया है। उपराष्ट्रपति ने कलयुग का महापुरुष बताया है मोदी जी को। आ तो ये बताई चाटुकारता, हाँ, इन्होंने उपराष्ट्रपति बनवा दिया तो उनका गुणगान नहीं करेंगे तो क्या पंडित भाई बनाया भाई? अरे भाई, हाँ, सेटिंग गेटिंग करके बनवा दिया। अच्छा, समझ गए, हाँ, तो सच्चाई उन्होंने अगर बोल दिया तो क्या? सच्चाई कौन सा, युग पुरुष है वो, महापुरुष है मोदी जी, महापुरुष है, अनपढ़ जाहिल को महापुरुष, पनौती महापुरुष साबित हो रहे हैं। अभी तो वो मौसमी सिंह गई थी टनल के पास, अंजना और मोदी ने, अरे अंजना का सीएम, चित्रा त्रिपाठी, सुरेश चौहान के सबका एग्जिट पोल में बीजेपी। अंजना और मोदी ने कहा कि
मौसमी सिंह वहां पहुंची हो तुम मजदूरों के लिए शुभ साबित हुई। कहा शुभ तो मैं हूं लेकिन पनौती नहीं हूं। अच्छा हाँ, अब बीजेपी में हलचल मच गया। पहले तो ये चला था ट्रेंड कि मैं भी चौकीदार, तो पूरे भाग तभी लिखते थे मैं भी चौकीदार। अब पनौती लिखने को कोई तैयार नहीं है। पप्पू भी लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर। हाँ। ट्रेंड हो रहा है पप्पू बीएस पनौती। पप्पू अब अंधभक्तों के पप्पा साबित हो गए। तो राहुल गांधी से उलझना कुल, आपको मैं कह रहा हूँ कि आप जो है जो ट्रेंड चलाना है चलाते रहिए। हाँ। लेकिन 3 तारीख को पांचों स्टेट में। हाँ। पांचों राज्यों में कांग्रेस की बम्पर पे कहीं मातम बनाएंगे, एक आध सीट जीत जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जीतेंगे। अच्छा, भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं पांचों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, भाजपा अपनी ताल ठोक रही है और आप अपनी अलग। अच्छा ही बता, तेलंगाना में भाजपा का क्या है? मध्य प्रदेश की जनता ने बताई दिया, छत्तीसगढ़ की जनता ने बताई दिया, राजस्थान की जनता ने बताई दिया, मिजोरम का मुख्यमंत्री इनको पहले ही मना कर दिया है कि मिजोरम नहीं आना, मैं आपके साथ मंच शेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं समाचार सुनता हूं ना एग्जिट पोल सुनता हूं। हाँ, वो अंजू चौधरी पाकिस्तान से ढोलक बजा के आई है और अब पूरी गोदी मीडिया उसके तो सामने कैमरा लगा के पड़ गई है। को बात करने दीजिए ना, करने को रोका है? अरे एग्जिट पोल कभी गलत साबित नहीं होते उनके। मैं आपको कर्नाटक में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ, हिमाचल में भी साबित हुआ। अच्छा, यहाँ भी साबित हो जाएगा, देख लेना। यह है भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव। अच्छा। यह है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाने का फायदा। अच्छा, समझ रहे हैं? तो आप जो पूरी अपने दम से कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की सरकार बनेगी, पंडित राहुल गांधी के अब चरणों की धूल बीजेपी में कोई नेता नहीं है। 3 को जो कला, 3 के बाद कला बीजेपी में जो बगावत होगी उसका नजारा आप देखते रहना। अच्छा, समझ लग रहा है, मतलब आपको कि मतलब वाकई में कांग्रेस की सरकार बनेगी या आप ऐसे ही हवाइयां मार रहे हैं? कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ, 101%। ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं जनता के रुख को पहचान के कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन जनता तो हर हर मोदी कर रही है। कहाँ कर रही है, कहीं भी देख लीजिए। अरे मैं तो गुजरात के सरदार पटेल स्टेडियम में भी इनका प्लान था कि भारत जीतेगा। तो वहाँ जितने दर्शक थे कहे कि हम लोग तो सोचे कि भारत हार गया तो हम ही लोग पनौती है, लेकिन पीछे मुड़ के देखा मनगढ़ंत अपना जो प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं। राजस्थान में हार रही है कांग्रेस? बिल्कुल नहीं हार रही है, एग्जिट पोल तो यही। अरे 30 सीट वसुंधरा राजे सिंधिया को मिला। अच्छा, 30 को बीजेपी के नेता 30 सीट को हरवाने में लग गए। अब पता चला कि उनके उनके जो लोग है बीजेपी की 30 सीट हरवाने में लग गए। आप से अंदर है कला है तो कहाँ है उनके पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा है? एग्जिट पोल मानेंगे? नहीं मानेंगे। पहले माने थे? नहीं मानेंगे। जो कर्नाटक में मान गए थे, ओरिजिनल जो एग्जिट पोल आया है पहले ही से आ रहा है, मैं उसको मानूंगा। आज वाले एग्जिट पोल को नहीं मानेंगे? ना ना ना, इसके इसके कुछ नहीं, ना बिल्कुल नहीं। राजस्थान में हवा हवाई कांग्रेस। अच्छा, तो 3 तारीख को पत्ता साफ है भैया। भाई 3 तारीख को इंतजार करने में क्या जाता है आप लोगों का? 3 तारीख तक इंतजार कीजिए। तो मनाएंगे आप लोग? अरे मातम मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। मीडिया पर विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं, गोदी मीडिया पर विश्वास नहीं। एग्जिट पोल पर? एग्जिट पोल जो गोदी मीडिया का नहीं है उस पर विश्वास।